हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बनाने वाले हैं सहजन की सब्जी। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे यहाँ इसको सहजन बोलते हैं। तो इसको मैंने छील के ऐसे टुकड़ों में काट लिया है। तो चलिए बनाते हैं इसकी सब्जी। सबसे पहले हम इसको फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा ऑयल डाल के। तो चलिए, यहाँ पे हमारा कढ़ाई में ऑयल डाला है, ऑयल गर्म हो चुका है और इसके अंदर हम सारे अपने डाल देते हैं और इसको हल्का हल्का फ्राई कर लेते हैं। हमारी सहजन ये फ्राई हो रही है। चलिए तब तक हम अपने आलू को भी छील लेते हैं। इसके अंदर हमने आलू बॉईल करके लिए हैं। आप चाहें तो कच्चा आलू को काट के भी ले सकते हैं फ्राई करके, लेकिन मैंने यहाँ पे बॉईल करके लिया है। यहाँ पे मैंने तो चलिए जब तक बॉईल फ्राई कर किया लिया है तब तक हम अपने आलू अब इसके हम छिलके उतार लेते हैं। बॉईल करके आलू लेने से क्या होता है कि ना, इसका टेस्ट जो है उसका बहुत ही अच्छा आता है सब्जी में और अच्छा लगता है खाने में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बॉईल किए हुए आलू लिए हुए हैं। इन सबको छील लेते हैं। यहाँ हमने मसालों में ये अदरक लहसुन को पीस लिया है और इसके अंदर अपने मसाले को ऐड करेंगे। ये पीली सरसों होती है ना, इसको मैंने पीस के रखा हुआ है। तो इसमें से मैंने 2 चम्मच डाला है, छोटा वाला चम्मच है। तो आप अपनी सब्जी के अकॉर्डिंग ही मसाले इसमें ऐड करिए। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड की हुई है और थोड़ा सा यहाँ पे मैं सब्जी मसाला भी ऐड करने वाली हूँ। तो इससे सब्जी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने हल्दी डाल ली लिया हुआ है और ये हमारी सहजन की जो फली थी ये भी हमारी फ्राई हो चुकी है। तो इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। इसको ज्यादा नहीं, हल्का सा ही लाल करना होता है। निकाल ली इसको एक प्लेट में और इसी कढ़ाई में अब हम तेल डालेंगे और साथ में हमने जो मसाले घोल के तैयार किए थे उसको डाल देते हैं। थोड़ा सा हम इसी के संग इसके अंदर पानी को ऐड कर लेंगे ताकि मसाले हमारे भून जाए इसी से। और इसके अंदर हम स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं। इसके अंदर आपकी मर्जी है, प्याज डालना चाहते हैं तो, मैंने यहाँ पे नहीं डाला है और टमाटर ऐड करूँगी मैं। अब इसको हम भूनने देते हैं, डाल देते हैं इसके अंदर। अब इसको हल्का सा भूनने देते हैं 5 मिनट तक। इसको हम ढक के पकने देंगे। दोस्तों यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे मसाला तैयार हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मसाला अच्छी तरीके से पक चुका है, मसाले ने अपना ऑयल छोड़ दिया। तो इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा मिक्स। टमाटर भी हमने ऐड किया था तो इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं। मसाला हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है। अब इसके हम इसको मिक्स कर लेते हैं। आलू को आप काट के भी डाल सकते हैं, मैंने हाथों से मैश करके डाला है इसके अंदर। फिर हम ये भी डाल देते हैं इसके अंदर अपनी सहजन की जो फली है वो। इसको भी हम कर लेते हैं मिक्स और फिर हम इसके अंदर डालेंगे पानी। पानी डालकर इसको हम 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लेते हैं। थोड़ा सा और पानी डाल लेते हैं यहाँ पे। ये हो चुका है, पानी डाल दिया है मैंने इसके अंदर, देख सकते हो। अब इसको हम पकने देते हैं 10 मिनट तक। तो देख लेते हैं गाइज हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है कि नहीं, देख ही सकते हैं आप लोग।
अच्छी तरीके से ये बन गई है, बन भी गई है। तो आप चाहें तो इसको और गाढ़ा कर सकते हैं, या चाहे तो इतने पे भी उतार सकते हैं। ये सब्जी बनके हो चुकी है तैयार। देखिए हमने कितना कम इसमें तेल डाला था, फिर भी इसके चारों तरफ ये तेल ही तेल नजर आ रहा है। तो ये बहुत ही कम तेल में बन के तैयार हो जाता है, बिल्कुल भी तेल नहीं लगता इसमें। अब इसके ऊपर हम धनिया पत्ता डाल देते हैं, गैस बंद कर देते हैं। बन गई हमारी सब्जी।